लगातार जब हम फील्ड में उतरते हैं तो जनता यही बात कहती नजर आती है कि मनीष सिसोदिया जिसने गरीब के बच्चों को पढ़ाया अब वही जेल में है, यानी कोई साजिश जरूर है। आप जो 65 काम करते हैं, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री घंटों घंटों यहाँ इतने लंबे लंबे अंतराल तक काम करते हैं, तो ये घोटाले, ये इतना काम सिर्फ चुनावों के करीब ही क्यों था? ये सवाल अब हम नहीं आए, ये सवाल कपिल सिब्बल नहीं, ये सवाल अब जनता तक जाने लगा, ये सवाल जनता पूछने लगी है। तो यहाँ पर जनता को जवाब देना होगा बीजेपी को कि आखिर ये घोटाले अब क्यों सामने निकल। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो चुकी हैं। लगातार देखा जा रहा है एक ऐसी नीति, शराब नीति, जिसको लेकर घोटाले के बड़े आरोप लगाए गए और एक एक करके कई मंत्रियों को जेल में भी डाला गया, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का नाम तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी बार उठते हुए नजर आया। लेकिन हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई जब मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि 30 अक्टूबर को जो जमानत खारिज की गई थी मनीष सिसोदिया की, उस पर आप पुनर्विचार करते हुए नजर आए, उस पर आप समीक्षा लें, यहां पर सबूत दिखाएं, तमाम ऐसी चीजों को फिर से उठाया गया जिससे मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाए। और यही कदम मनीष सिसोदिया के वकील ने तो उठाया ही, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जहां आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है, मनीष सिसोदिया अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे भी नेता हैं जो अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कई ऐसे वकील हैं जो कोर्ट को हिदायत देते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसे पूर्व जज हैं जो सीधे तौर पर सरकारी एजेंसियों पर अंकुश लगाने की बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल लगातार आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आए हैं, चाहे काला अध्यादेश हो, चाहे फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही हो, या फिर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की पोस्टिंग है, इसका समय बढ़ाने की बात की जाए। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर कहा गया था कि अब उनका कार्यभार समाप्त होने वाला है, रिटायर होने वाले हैं नरेश कुमार, लेकिन अचानक से ही 6 महीने के लिए और ये समय बढ़ा दिया जाता है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अब इस पूरे मामले में देखा जाए तो कपिल सिब्बल कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे में माना जाए कि कपिल सिब्बल ही हैं जो यहाँ पर इंसाफ आम आदमी पार्टी को दिला सकते हैं? यहाँ पर तमाम सवाल बनते हुए नजर आते हैं। मेरे सहयोगी दौलत मेरे साथ मौजूद हैं। दौलत, आपका स्वागत है। दौलत, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि मनीष सिसोदिया ने रिव्यू पिटीशन तो दाखिल कर लिया है, अभी उधर से सुनवाई की तारीख या कुछ इस पूरे मामले में कहा तो नहीं गया है, लेकिन जज साहब से साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि अब उनको जमानत चाहिए क्योंकि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, ऐसी बातें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या लगता है मनीष सिसोदिया को इस बार जमानत मिलकर रहेगी? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए मनीष सिसोदिया ने यहाँ पर अपने वकालत में कहा या फिर अपने बचाव में कहा है, तो कहीं ना कहीं ये सही है कि किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। आप लगातार उस व्यक्ति के रिमांड बढ़ाए जा रहे हैं, आप कारण नहीं बता रहे, आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे और रिमांड पर रिमांड बढ़ाए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठते हैं कि सबूत क्यों नहीं है। और जब बात उनको छोड़ने की जाती है तो कोर्ट भी कह देता है कि इनको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और बाहर जाकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही पता है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, सबूत हैं, तो इन सबूतों को खोजने के लिए ईडी को क्यों नहीं कड़े आदेश यहाँ पर दिए जाते हैं? आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन ईडी ये सबूत कब तक लाएगी, उनसे यहाँ पर अल्टीमेटम लिया जाए? मनीष सिसोदिया की यहाँ पर देखा जाए रिहाई ज़्यादा जरूरी इसलिए बन जाती है, चुनाव इस समय है, यहाँ पार्टी बिखर चुकी है और साथ ही साथ वो अपनी फैमिली में, उनके फैमिली के लोग भी यहाँ पर बीमार हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बन जाता है कि उनको रिहाई मिलनी चाहिए। और जो अपनी वकालत में कहते हैं वो सही कहते हुए नजर आते हैं, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कि इतना भी आप किसी व्यक्ति को नहीं रखते, अनिश्चित काल तक आप जेल में नहीं रह सकते, लगातार जाँच उन पर चल रही है, सबूत पर सवाल उठ रहे हैं और जनता भी सवाल उठा रही है कि अगर ईडी के पास सबूत ही नहीं है, आखिर फिर आप किस बिना पर उनको यहाँ से उठाकर लेके गए? वो जनता के नेता हैं, जनता के बीच के नेता हैं, जनता की समस्याएं वो सुलझाते हैं,
दिल्ली की हम शिक्षा नीति की बात करें तो क्या बेहतरीन शिक्षा नीति यहाँ पर बनाई है, ये जनता कहती है। जनता लगातार जब हम फील्ड में उतरते हैं तो जनता यही बात कहती नजर आती है कि मनीष सिसोदिया जिसने गरीब के बच्चों को पढ़ाया अब वही जेल में है, यानी कोई साजिश जरूर है। बीजेपी जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि साजिश है, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं एक हद तक कन्फर्मेशन हो जाती है कि क्या ये साजिश ही है या फिर यहाँ पर कोई बड़ा घोटाला है। जी बिल्कुल, घोटाले की बात की जाए तो यहाँ पर सरकारी एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं कि आखिरकार लिखित में दस्तावेज मौजूद नहीं है, लिखित में कोई रिपोर्ट पेश कोर्ट में नहीं की जाती है, यहाँ पर सिर्फ सरकारी गवाहों को आधार बनाया जाता है। और इसी बात को लेकर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का जिक्र कर लिया जाए तो उन्होंने हाल ही में एक बड़ी बात कही थी, इन सरकारी एजेंसियाँ जो मौजूद हैं तमाम राज्यों में शिकंजा कस रही हैं, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई नजर आ रही है। समय आ गया है तमाम पार्टियों को एकजुट होने का, समय आ गया है कि अब इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चलाया जाए, एक बड़ा कदम उठाया जाए। कपिल सिब्बल लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोल रहे हैं, तो क्या दौलत माना जाए कि यहाँ पर कपिल सिब्बल सहयोग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का? कपिल सिब्बल चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, इससे वो बाइज्जत बरी हो पाए, क्योंकि जानबूझकर केंद्र सरकार की कठपुतलियां बनकर ये सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो क्या कपिल सिब्बल इसी मकसद के साथ लगातार ट्वीट के माध्यम से बोल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर कपिल सिब्बल को हमने देखा है कि जब भी कुछ अनैतिक हुआ है तो उन्होंने आवाज़ उठाई है, चाहे वो कांग्रेस के साथ बने रहे हों, चाहे वो अन्य पार्टी के सपोर्ट में रहे हों, हमेशा उन्होंने अनैतिकता के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ उठाई है। और ये हमने पहले भी देखा, ये हमने अब भी देखा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, किसी भी पार्टी हो, तो यहाँ पर सिर्फ वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर उन नेताओं के साथ इंसाफ हो जिनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया है, या फिर कोई राजनीतिक द्वेष उनके द्वारा निकाला जा रहा है। लगातार यही बात की जा रही है कि राजनीतिक द्वेष है और कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई घोटाला नहीं। ये शराब नीति जब शुरू हुई थी तब से हमने देखा कि बीजेपी सवार थी यहाँ पर, इस पूरी शराब नीति को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी और अब भी वही कर रही है। अब एक नया घोटाला सामने ले आया, यानी क्या सारे ही मंत्री जो है यहाँ पर फ्रॉड है, क्या सारे मंत्री यहाँ पर गुनहगार हैं, क्या वो सारे मंत्री घोटालेबाज हैं? ये सवाल उठना है। और सवाल ये भी उठना है कि बीजेपी लगातार इतना पीछे क्यों पड़ी है और बीजेपी चुनावों के समय ही क्यों नहीं याद आता है उनके अध्यक्षों को, उनके पार्टी के बड़े नेताओं को कि घोटाले हो रहे हैं। यानी जनता के लिए तो आप 365 काम करते हैं, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री घंटों घंटों यहाँ इतने लंबे लंबे अंतराल तक काम करते हैं, तो ये घोटाले, ये इतना काम सिर्फ चुनावों के करीब क्यों आता है? ये सवाल अब हम नहीं आए, ये सवाल कपिल सिब्बल नहीं, ये सवाल अब जनता तक जाने लगा, ये सवाल जनता पूछने लगी है। तो यहाँ पर जनता को जवाब देना होगा बीजेपी को कि आखिर ये घोटाले अब क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा है मैं भी केजरीवाल, और उसके तहत जानने की कोशिश की जा रही है कि वाकई अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली से चलती हुई नजर आई। इससे जुड़ा हुआ सवाल ये भी बन जाता है कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल के नंबर की जो बारी की जा रही थी, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल फंसते हुए नजर आएंगे, क्या अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर मोहर लगती हुई नजर आएगी, क्या कुछ कहना है दौलत? बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए नया मिशन यहाँ पर चला है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अपने आप को अजमाते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल देखना चाहते हैं कि जनता के बीच जो उनका यहाँ नाम खराब हुआ है, देखिए अगर आरोप किसी भी पार्टी पर लगते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर नाम खराब होता है, उसके बाद जनता भी सोच में पड़ जाती है कि ईमानदार व्यक्ति अपने आप को बोलते हैं, ईमानदार नेता अपने आप को बोलते हैं, कहते हैं हम दूसरे नेताओं की छवि से उलट हैं, तो आखिर क्यों इनके ऊपर घोटालों के इतने सारे प्रश्न उठ रहे हैं, घोटाले लगातार सामने क्यों भरा रहे हैं? तो अपने आप को जनता के बीच यहाँ पर अरविंद केजरीवाल अजमाना चाहते हैं, यही एक बड़ी वजह मेरे को नजर आती है। और बाकी देखा जाए जनता कितना सपोर्ट करेगी वो आगे देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, वो तो आगे देखने वाली बात है, लेकिन ये मामला अब उठता हुआ नजर आ रहा है कि अब क्या सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्या कुछ लगता है इस मुद्दे को लेकर कि क्या अब ये सरकारी एजेंसियों का भांडाफोड़ होता हुआ नजर आएगा, क्या लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत दर्ज होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।